नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू, आर्थिक संकट के जूझ रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया। राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने में लोगों का गुस्सा और भड़क गया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरह मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है, इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। वहीं दो गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। श्रीलंकाई सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। श्रीलंकाई सांसद ने आज अंतरिक्ष राष्ट्रपति के नाम पर ऐलान होगा। प्रदर्शनकारी संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। नूपुर के हर समर्थक का कत्ल करने वाले थे आतंकी। आतंकियों के निशाने पर उदयपुर का कन्हैया लाल ने ही नहीं बल्कि वे सभी लोग थे जिन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। पाकिस्तानी संगठन दावत ए इस्लामी और आतंकवादियों के ने इसके लिए राजस्थान के 40 लोगों को तैयार कर लिया था। नूपुर का समर्थन करने वालों का सिर्फ कलम करने के लिए तैयार हो गए थे, ये खुलासा NIA और ATS के शुरुआती जांच में सामने आया। 25 मई के बाद नूपुर को बयान का समर्थन करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए दावत ए इस्लामी से जुड़े 6 जिलों के लोगों को टारगेट दिया था। जांच में सामने आया है कि ये सभी एक साल से एक संगठन से जुड़े थे। ये नया खुलासा आतंकी रियाज अतारी और गौस मोहम्मद की कॉल डिटेल से मिले पाकिस्तान के 10 लोगों के 20 मोबाइल नंबर से जांच की है। मेक्सिको में मातृभाषा बोलने पर छात्र को जिंदा जला। मेक्सिको के एक स्कूल में 14 साल के छात्र को उसके दो साथियों ने क्लासरूम में जिंदा जला दिया। उन दोनों छात्रों ने केवल इसलिए उस छात्र को जला दिया क्योंकि वे अपने मातृभाषा में उनसे बात कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक घटना जून की और बुरी तरह झुलसा छात्र जुआन जामोरोना अब अस्पताल में डिस्चार्ज हो चुका है। जामोरोना के परिवार ने बताया है कि अब क्लासरूम में अपनी सीट पर तो उसकी पैंट भीग चुकी है। दरअसल दो छात्रों ने उसकी सीट पर शराब डाल दी। जैसे ही जामोरोना ने अपनी सीट से उठा तो दोनों छात्रों ने उसे जला दिया। जामोरोना के माता पिता ने हमारा बेटा कई हफ्ते स्कूल से नस्ले टिप्पणियों पर झेल रहा था। स्कूल के टीचर ने भी उसे परेशान करते थे। वो ये सोचते थे कि उनके दर्जे के नहीं है। उनके दर्जे के नहीं और ना ही उनकी नस्ल के। अब परिवार ने स्कूल अधिकारियों पर जामोरोना को जलाने वाले छात्रों के खिलाफ केस फाइनल किया है। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की सुपारी लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हासिम बाबा को दी। जनवरी में मूसेवाले को कत्ल करने पहुंचे गैंगस्टर शाहरुख उसी का मुर्गा है। हाल की तब प्लानिंग फेल हो गई जिसके बाद लॉरेंस ने कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराल को इसका जिम्मा दिया। गोल्डी ने शूटर्स की टीम को इकट्ठा कर 29 मई को मूसेवाले का कत्ल करवा दिया था। हासिम बाबा ने गैंगस्टर शाहरुख के साथ जनवरी में शार्प शूटर्स की टीम मूसेवाले गांव मूसा भेजे। उन्होंने मूसेवाले की रैकी के उस वक्त मूसेवाले के पास 10 कमांडो की सिक्योरिटी थी जिनके पास AK-47 थी। यह देव शाहरुख के पास वापस जाकर कहा कि मूसेवाले के पास आधुनिक हथियार मामले कमांडो में मूसेवाले कत्ल के लिए आधुनिक हथियार चाहिए जिससे पहले कि लॉरेंस और गोल्डी बड़ा हथियार भिजवाता। शाहरुख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ लिया। राम रहीम ने स्टेज लगा किया सत्संग। साध्वी यौन शोषण और छत्रपति व रणजीत हत्याकांड के दोषी गुरमीत राम रहीम इन दिनों बागपत के आश्रम में पैरोल पर है। राम रहीम ने पहले 15 रिकॉर्डिंग के वीडियो के माध्यम से अपना संदेश प्रेमियों तक पहुंचाना शुरू किया था लेकिन अब डेरा प्रमुख राम रहीम ने स्टेज में संबोधन शुरू कर दिया। स्टेज पर उसके द्वारा अनुयायियों को लिखे गए लेटरों के पोस्टर्स लगाए गए हैं। अपने पुराने शाही अंदाज में धीरे धीरे लौट रहे हैं। मंगलवार को राम रहीम ने शाही बेटियों की शादी करवाई। वहीं राम रहीम के प्रशंसा में उसके अनुयायियों ने भजन गाया जबकि राम रहीम अपने पुराने अंदाज में ही स्टेज पर बैठकर हाथ में मोर पंख लिए हैं। राम रहीम ने अब फिर से भजन गाने शुरू कर दिए। राम रहीम को 17 जून को 30 दिनों की पैरोल मिली थी। अब पैरोल खत्म होने के में केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। पैसे ही पहले राम रहीम केवल रिकॉर्डिंग वीडियो संदेश भेजते थे लेकिन जैसे जैसे पैरोल के दिन खत्म होते जा रहे तो उसने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। अब स्टेज लगातार सत्संग करना शुरू कर दिया और शादियों भी करवानी शुरू कर दी है।
नए संसद भवन के अशोक स्तंभ पर विवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रपति अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। अब विपक्ष स्तंभ की संरचना में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधक कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति चिन्ह के चार शेरों की संरचना में फेरबदल कर संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का आरोप है कि अशोक स्तंभ के शेरों को क्रूर और आक्रामक बनाया गया है। इसके लिए शेरों के मुख को और खुला दिखाया गया, जबकि सारनाथ म्यूजियम में रखे मूल स्वरूप माले वाले अशोक स्तंभ में शेरों का मुख उतना खुला नहीं है। हाल ही केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं इस स्तंभ को बनाने की प्रक्रिया भी शामिल। सुनील देवरे ने बताया है कि हमने किसी के कहने पर कोई बदलाव नहीं किया। यह सारनाथ में मौजूद स्तंभ की भी कॉपी है। सुनील ने स्तंभ के लिए क्ले और थर्माकोल मॉडल तैयार किए थे। पंजाब के एजी पर अटैक। हरियाणा में जिस जगह पंजाब के एडवोकेट जनरल एजी डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू वाली शताब्दी पर हमला हुआ था, वह राहुल गांधी की ट्रेन पर भी पथराव हो चुका है। यह घटना सितंबर 2009 यानी 13 साल पुरानी। तब यही कहा गया थी कि कुछ बच्चों ने भारतीय शरारत की है। हरियाणा पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कहा है कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के लिहाज में पथराव ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। पंजाब के एजी दिल्ली में लॉरेंस की याचिका के विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। ये सामान्य पत्थरबाजी है या फिर एडवोकेट जनरल पर हमला, इसकी जांच की जा रही है। सितंबर 2009 में राहुल गांधी पंजाब के लुधियाना से दिल्ली लौट रहे थे। ये स्वर्ग शताब्दी में सफर कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन पर पथराव हुआ। ये पथराव ट्रेन के C2, C4 और C7 कोच पर किया गया, जबकि राहुल गांधी C3 में सवार थे। पथराव के कारण तीनों कोचों की कुछ खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। ट्रेन हाईजैक। ट्विटर पर इस अफवाह में दहशत। कर्नाटक संपर्क क्रांति ट्रेन यात्रा कर रहे एक यात्री ने हाल ही में ट्विटर पर ट्रेन के हाईजैक होने का ट्वीट किया। भारतीय रेलवे पर सिकंदराबाद DRS को टैग करके लिखा है कि इस ट्वीट को देखकर रेल विभाग में खलबली मच गई है। हाईजैक की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ट्रेन में बैठे यात्री भी डर के मारे घबराने लगे। बाद में पता चला है कि ये एक अपवाद दरअसल हुआ। एक की ट्रेन अपने रूट से हाईवर्ट होकर चल रही थी। ये देख यात्री कृष्णा CH बेहरा ने ट्वीट में लिखा कि DIRCTC ऑफिशियल DRM सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 12650 हाईजैक हो गए, प्लीज़ मदद कीजिए। इस मैसेज को देख रेल विभाग फौरन एक्शन में आए, यात्री को पूरी स्थिति में अवगत कराया। मगर इस ट्वीट में वायरल होने के लोग पैनिक हो गए, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने लगे। वर्ल्ड चैंपियन को हरा टॉप 3 में भारत टीम। इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 10 विकेट से हारने का इनाम मिला है। वह बुधवार को जारी ICC वनडे रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच गई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पीछे धकेला। भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से टॉप 3 में काबिज इकलौती टीम है। टीम इंडिया ने मंगलवार रात द ओवल में 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड पर 10 विकेट को जीत हासिल की। उसने पहली बार वनडे में इंग्लैंड को उसके ही घर से 10 विकेट से हराया है। इसी जीत से भारत को 3 रेटिंग वाइट का फायदा हुआ। मैच से पहले भारत 105 अंकों के साथ 14 स्थान पर था। मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने 108 रेटिंग अंक हासिल कर लिए, जिसके पाकिस्तान 106 दो अंक से पीछे रह गया। फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा के प्रमोशन में एक खुलासा किया। एक इंटरव्यू में रणबीर ने बताया है कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक स्टोरी मिली के साथ ही एक्टर ने कहा है कि फिल्म को आलिया भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रणबीर ने कहा कि मैंने अनुराग बासु के साथ मिलकर जग्गा जासूस का प्रोड्यूस किया था। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने उस फिल्म को एक एक्टर के तौर पर प्रोड्यूस किया था। इसलिए अभी तक मैंने प्रोड्यूसर के तौर पर काम नहीं किया, लेकिन हाँ मैं हमेशा एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।